जय हिंद। 19 जनवरी को जब से टाटा ने टियागो एंटीगोर सीएनजी को लॉन्च किया है, तब से मेरे पास लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर टियागो एंटीगोर सीएसडी में कब तक आ जाएगी, इसके वेरिएंट्स के क्या प्राइसेज रहेंगे और किस रैंक पे कौन कौन से वेरिएंट्स हम परचेज कर पाएंगे। लोग टाटा की सीएनजी कार्स के लिए इतने उतावले हो रहे हैं, उसका रीज़न भी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि अब तक मार्केट में कंपनी फिटेड सीएनजी कार्स में केवल मारुति एंड हुंडई का ही ऑप्शन अवेलेबल था और इन दोनों कंपनी की कार्स में कहीं ना कहीं सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। चाहे मारुति की वैगनार में जो सीएनजी का ऑप्शन आता है उसको ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 2 out of 5 star की रेटिंग मिली है, वहीं एस्प्रेसो को 0 out of 5 star की रेटिंग मिली है, और वहीं हुंडई की कार्स में भी हमें कोई सेफ्टी ज़्यादा खास नहीं मिलती, उसकी भी चाहे ओरा है, नियोस है या फिर सेंट्रो है, इनको भी ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 2 out of 5 star की रेटिंग मिली हुई है। बट टाटा कार्स अपनी सेफ्टी के लिए फेमस हैं, तो अब आपको टाटा टियागो एंटीगोर में सेफ्टी के साथ साथ सीएनजी का भी ऑप्शन मिल गया है। इन दोनों ही कार्स को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 4 out of 5 star की रेटिंग मिली हुई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं टाटा टियागो एंटीगोर के सीएनजी वेरिएंट्स की सीएसडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। पर उससे पहले सीएसडी में अवेलेबल कार्स एंड बाइक्स के हर महीने के अपडेटेड सीएसडी प्राइसेस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए या फिर कार्स से रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। टाटा टियागो एंटीगोर के इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो सेम इंजन में पेट्रोल के कंपैरिजन में सीएनजी के साथ पावर आउटपुट में थोड़ी कमी आती है, बट टाटा ने क्लेम किया है कि उनकी कार्स में जो सीएनजी के साथ आउटपुट है वो मार्केट में अवेलेबल अदर ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। कहीं ना कहीं ये बात सही भी है। इस वीडियो में आगे हम टाटा टियागो एंटीगोर के इंजन की सीएनजी के साथ पावर आउटपुट को मार्केट में अवेलेबल अदर कार्स के इंजन की सीएनजी पावर आउटपुट के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि किसका इंजन ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। टियागो एंटीगोर के इंजन की बात करें तो इसमें हमें 1199 सीसी का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो 85 bhp की मैक्सिमम पावर और 113 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। वहीं सीएनजी के साथ ये इंजन 73 bhp की मैक्सिमम पावर और 95 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले टाटा टियागो एंटीगोर के इंजन की सीएनजी के साथ पावर आउटपुट को अगर हम हुंडई के i10 नियोस एंड ओरा के इंजन की सीएनजी के साथ पावर आउटपुट को कंपेयर करते हैं तो टियागो एंटीगोर में जहां हमें 1199 सीसी का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 73 bhp की मैक्सिमम पावर और 95 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है, इसमें हमें केवल 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। वहीं i10 नियोस एंड ओरा में हमें 1197 सीसी का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जिसमें 68 bhp की मैक्सिमम पावर और 95 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क मिलता है, ये भी केवल 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है। तो टियागो एंटीगोर का इंजन i10 नियोस एंड ओरा के इंजन के कंपैरिजन में 5 bhp ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। और अब अगर टियागो एंटीगोर के इंजन को सेंट्रो के इंजन के साथ कंपेयर करते हैं तो सेंट्रो में हमें 1086 सीसी का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जिसमें 59 bhp की मैक्सिमम पावर और 85 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क मिल जाता है, ये भी 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि टियागो एंटीगोर के इंजन में सेंट्रो के इंजन के कंपेरिजन में 14 bhp की ज़्यादा पावर और 10 newton meter का ज़्यादा टॉर्क हमें मिल जाता है। और अब अगर टियागो एंटीगोर के इंजन को वैगनार के इंजन के साथ कंपेयर करते हैं तो वैगनार में हमें 998 सीसी का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जिसमें 58 bhp की मैक्सिमम पावर और 78 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क मिलता है, ये भी 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है। तो टियागो एंटीगोर के इंजन में हमें वैगनार के इंजन के कंपेरिजन में 15 bhp की ज़्यादा पावर और 17 newton meter का ज़्यादा टॉर्क मिल जाता है। और अब अगर टाटा टियागो एंटीगोर के इंजन की सीएनजी के साथ पावर आउटपुट को अल्टो के इंजन की सीएनजी की पावर आउटपुट के साथ कंपेयर करते हैं तो अल्टो में हमें 796 सीसी का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जिसमें कि 40 bhp की मैक्सिमम पावर और 60 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क मिलता है, ये भी 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है। तो यानी इसमें हमें टाटा टियागो एंटीगोर के इंजन में अल्टो के कंपेरिजन में 33 bhp की ज़्यादा पावर और 35 newton meter का ज़्यादा टॉर्क मिल जाता है। तो इस कंपैरिजन से आप क्लियरली देख सकते हैं कि टियागो एंटीगोर के इंजन में जो सीएनजी के साथ पावर आउटपुट है वो मार्केट में अवेलेबल अदर सीएनजी कार्स के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलती है।
और अब अगर टिगोर के सीएनजी वेरिएंट्स के एक्सपेक्टेड सीएसटी प्राइसेस की बात करें तो टिगोर तीन वेरिएंट्स में सीएनजी के साथ लॉन्च हुई है। फर्स्ट है टिगोर एक्सजेड सीएनजी, सेकंड है टिगोर एक्सजेड प्लस सीएनजी एंड थर्ड है टिगोर एक्सजेड प्लस ड्यूअल टोन सीएनजी। और इनके एक्सपेक्टेड सीएसटी प्राइसेस की बात करें तो जो टिगोर एक्सजेड सीएनजी वेरिएंट है इसका सीएसटी प्राइस रहेगा 6.65 लाख रुपीज, टिगोर एक्सजेड प्लस सीएनजी वेरिएंट का सीएसटी प्राइस रहेगा 7.20 लाख रुपीज और टिगोर एक्सजेड प्लस ड्यूअल टोन सीएनजी वेरिएंट का सीएसटी प्राइस रहेगा 7.30 लाख रुपीज। इन एक्सपेक्टेड सीएसटी प्राइसेस का जो एग्जैक्ट सीएसटी प्राइसेस आएंगे उनसे प्लस माइनस 5000 रुपीज तक का डिफरेंस हो सकता है। अब अगर ये बात करें कि इन वेरिएंट्स को कौन कौन परचेज कर पाएंगे तो जो फर्स्ट वेरिएंट है टिगोर एक्सजेड सीएनजी इसको सीएसटी से ऑफिसर्स जेसीओज एंड ओआरस सभी लोग परचेज कर पाएंगे और जो बाकी दो वेरिएंट जो येलो कलर में दिए हैं उनको सीएसटी से ऑफिसर्स एंड जेसीओज परचेज कर पाएंगे, ओआरस सीएसटी से परचेज नहीं कर पाएंगे। और अब अगर टियागो सीएनजी के एक्सपेक्टेड सीएसटी प्राइसेस की बात करें तो टियागो सीएनजी पांच वेरिएंट्स के साथ लॉन्च हुई है जो है एक्सी, एक्सएम, एक्सटी, एक्सजेड प्लस एंड एक्सजेड प्लस ड्यूअल टोन सीएनजी। और इनके एक्सपेक्टेड सीएसटी प्राइसेस की बात करें तो जो टियागो एक्सी सीएनजी वेरिएंट है इसका सीएसटी प्राइस रहेगा 5.25 लाख रुपीज, एक्सएम सीएनजी वेरिएंट का सीएसटी प्राइस रहेगा 5.50 लाख रुपीज, एक्सटी सीएनजी वेरिएंट का सीएसटी प्राइस रहेगा 5.80 लाख रुपीज, एक्सजेड प्लस सी एन जी वेरियंट का सी एस टी प्राइस रहेगा 6.50 लाख रुपीज और एक्सजेड प्लस ड्यूअल टोन सी एन जी वेरियंट का सी एस टी प्राइस रहेगा 6.60 लाख रुपीज। ये जो एक्सपेक्टेड सी एस टी प्राइसेज हैं जो एग्जैक्ट सी एस टी प्राइसेज आएंगे उनसे इनमें प्लस माइनस 5000 रुपीज तक का डिफरेंस हो सकता है। टियागो के इन सभी पांचों सी एन जी वेरियंट्स को सी एस टी से ऑफिसर्स जेसीओज एंड ओआरस सभी लोग परचेज कर पाएंगे। और अब सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टियागो एंड टिगोर सीएनजी सीएसडी में कब से लिस्टेड हो जाएंगी? तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसके 50-50% चांस है कि टियागो एंड टिगोर सीएनजी आपको नेक्स्ट मंथ यानी फरवरी से ही सीएसडी में मिलना शुरू हो जाएगी। और अगर फरवरी में ये सीएसडी में नहीं मिली तो मार्च में 100% आपको ये सीएसडी में मिल जाएगी। तो ये थी टियागो एंड टिगोर सीएनजी की सीएसडी से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही सीएसडी में अवेलेबल कार्स एंड बाइक्स के हर महीने के अपडेटेड सीएसडी प्राइसेस से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए या फिर कार से रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।